तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। ढाका से मस्कट जा रहे विमान चालक को दिल का दौरा पड़ने से आपात स्थिति में नागपुर हवाई अड्डे पर उतारा गया। विमान बांग्लादेश विमानन कंपनी के 11 घंटे बाद ढाका के लिए उड़ान भरी, लेकिन पायलट की स्थिति अभी भी गंभीर है और उसका यह एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह बताया कि ढाका से मस्कट जा रहे इस बोइंग विमान में 126 यात्री सवार थे। विमान चालक को दिल का दौरा पड़ने के कारण विमान शुक्रवार को पूर्वाह 11:40 पर नागपुर में आपात स्थिति में उतारा गया था। नागपुर हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा में कहा, विमान बांग्लादेश ने चालक दल के वैकल्पिक सदस्यों का प्रबंधन किया जो नागपुर आए थे। इसके बाद विमान ने शुक्रवार को रात 10:37 पर यात्रियों के साथ अपने गंतव्य स्थल की ओर उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि पायलट अब भी गंभीर है और उनका नागपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि पायलट को नागपुर हवाई अड्डे से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित किंग्सवे अस्पताल में भर्ती किया। उन्होंने बताया कि जब विमान रायपुर के पास था तो उन्हें आपात स्थिति में उतारने के लिए कलकत्ता ATC से संपर्क किया गया, जिसके बाद उसे निकटतम नागपुर हवाई अड्डे पर उतारने की सलाह दी गई। सहायक पायलट ने विमान को नागपुर उतारा। विमान बांग्लादेश ने भारत के लिए उड़ान सेवाएं हाल ही में बहाल की है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा सेवा निलंबित थी।